बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमातों के अजीज तलबा तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर तारिक नईम बदर, शोबा उर्दू का कंसेप्ट एकेडमी इस्लामाबाद आपसे मुखातिब। अजीज तलबा तालिबात, पिछली क्लासेस के दौरान सबक हमने बड़ा सजाद है दरिया धर्म का लिखा हुआ, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, और हमने उसकी मशक़ की। उम्मीद वास्ते कहे कि बात मुकम्मल तौर पर आपके सामने आ गई होगी। आज हम एक नया सबक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है किसान। ये जोश होने के बाद ही लिखी हुई नज़्म है, सफर नंबर निकालने 127। अल्फाज के मानी मैं बोर्ड पर लिख रखे हैं, आपको नजर आ रहे हैं तो पाँच लिख रही हूँ। साथ साथ मैं आपको अल्फाज के मानी बयान भी करूँ, जिससे इंशाल्लाह आपको तशरीह के दौरान और अल्फाज के मानी लिखने के दौरान किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबक की तरफ आती है, जोश वाली आबादी का तारफ पहले पढ़ेंगे और मैं कोशिश करूँगा आती नज़्म जो है वो पढ़ दूँ पढ़ने, ताकि अगली जो लेक्चर है उसमें हम आदि नज़म भी पढ़ सकें और साथ इसके मशक भी कर सकें। तो जोश मली आबादी, मली आबाद एक कस्बा है लखनऊ के करीब, लखनऊ इंडिया का शहर है, भारत का शहर है। वहाँ पे आप 1898 में पैदा हुए और आपने 1982 में इस्लामाबाद में वफात पाई। उनकी जो कब्र है वो ये कब्रिस्तान में मौजूद है। मली आबादी जोश कसम के नाम है, वो शब्बीर असल खान का जोश तखल्लुस करते थे, ये कलमे नाम रखा हुआ था। और मली आबादी मली आबाद से ताल्लुक़ होने के बिना पर कहलाए, और ये जो नाम है जो हमने इख्तियार किया। इनके ख़ानदान में इनको अदब की रवायत मौजूद थी, इससे पहले भी बहुत से लोग ऐसे थे इनके ख़ानदान में जो इल्म और अदब से वाबस्ता थे। इनके दादा भी शायर थे, जोश ने अरबी और फारसी की इब्तदाई तालीम घर पर ही हासिल की। इनका घराना माली तौर पर आसूदा था, आसूदा के मानी होता है मालदार, आसूदा के मानी अमीर। सेंट पैट्रिक कॉलेज आगरा और अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज में जेर तालीम रहे, अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज वही कॉलेज है जो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में कायम किया था, स्कूल को तरक्की करके कॉलेज बना और आज कल ये कॉलेज मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तौर पे अलीगढ़ में काम कर रहा है। मगर सीनियर के अमरे से आगे न बढ़ सके, सेकेंड ईयर से आगे न बढ़ सके, हर शख्स की पैदाई होता है वो अला तालीम हासिल करे। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ इंसानों को मुख्तलिफ कामों के लिए चुन रखा होता है, तो जोश की आबादी को अल्लाह ताला ने शायरी के लिए चुन रखा था, इसलिए उनका लगाव पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ना था। अवायल में अवायल के माने शुरू में कोड लिख रखे हैं, मानी मासी पढ़ सकते हैं, मेहरबानी भी बयान कर देता हूँ साथ साथ आप उसको इसको अपने पास नोटबुक पर तहरीर करें या किताब भी लिखें। रविंद्रनाथ टैगोर से मुतासिर है, रविंद्रनाथ टैगोर उर्दू के एक मशहूर शायर हैं, हिंदू मजहब से इंसान का ताल्लुक था, इंडिया से इनका ताल्लुक था। इनकी जो कुलियात है शायरी की रविंद्रनाथ टैगोर की, ये मार्केट उर्दू जबान में दस्तियाब है, इसलिए इनकी शायरी में टैगोर के असरात मिलते हैं। जाहिर उनसे मुतासर थे, तो उनकी ज़मीन में ही उनके अंदाज के मुताबिक शेर कहने की कोशिश किया करते थे, और इसलिए जोश मली आबादी का जो अंदाज बयान है, जो शायरी है, उसमें हमें रविंद्रनाथ टैगोर के शायरी के असरात भी मिलते हैं। 1924 में हैदराबाद दक्कन जाकर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के दारुलतर्जमा से वाबस्ता हुए। हैदराबाद दो है, एक हैदराबाद और कराची जाते हैं, जो दरियाए सिंध के मशरकी किनारे पर वहाँ मौजूद है हैदराबाद सिंध, और दूसरा है हैदराबाद दक्कन। हैदराबाद दक्कन में जब पाकिस्तान बना, इस रियासत में मुसलमानों की हुकूमत थी। आखिरी मुसलमान बादशाह का नाम जो मीर दक्कन कहलाते थे, उनका लकब था मीर दक्कन, और वो आखिरी जो मीर थे वो थे मीर उस्मान अली, निज़ाम दक्कन सब कहलाते थे। मीर उनका खानदान था, निज़ाम दक्कन उनका लकब था, यानी वहाँ पर जो बादशाह था या नवाब होता था वो निज़ाम दक्कन कहलाता था, हैदराबाद दक्कन के हवाले से। मीर उस्मान अली जो है वो आखिरी इसके बादशाह थे, और वहाँ पर हुकूमत तो मुसलमानों की थी, लेकिन वहाँ पर मुसलमानों की तादाद सिर्फ 4% थी, 96% हिंदू थे,
और जिस वक्त पाकिस्तान कायम हुआ भारत और पाकिस्तान अलग मुल्क बने और अंग्रेज़ों ने ये चॉइस दी थी कि आप किस मुल्क में दिल चाहे आप मर्जी से इल्हाक कर लें, तो वीर उस्मान अली ने इस रियासत हैदराबाद दक्कन का इल्हाक पाकिस्तान के साथ कर दिया। लेकिन भारत ने इंडिया ने वहाँ अपनी फौजें भेज के उस पर आसमाना कस्बा कब्जा कर लिया। आज भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान जिस तरह मसला कश्मीर मौजूद है, इसी तरह हैदराबाद दक्कन जूनागढ़ मनावाद पाँच छः रियासतें ऐसी हैं जिनका आज भी मुकदमा चार्ट मौजूद है। और ये भी एक वजह तनाज़ जो है हैदराबाद दक्कन पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये तनाज़ मकूजा इलाका है। हैदराबाद दक्कन तो दरअसल पाकिस्तान का हिस्सा है क्योंकि उसको वहाँ पर नवाब थे बादशाह थे उन्होंने इसके अलावा पाकिस्तान के साथ किया था। लेकिन असल मसला ये है क्योंकि ये सारे मसले मुसलमानों के हैं पाकिस्तान के हैं और अकवाम मुत्तहिदा ने आज तक मुसलमानों का कभी कोई मसला हल नहीं किया। गैर मुस्लिमों का एक इदारा है इसमें यूनाइटेड नेशन उसको कहा जाता है, वो उसको ज़्यादा ममालिक है। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि जितने मसाइल दुनिया में आजकल मौजूद हैं वो सारे के सारे मुसलमानों के हैं। और यहाँ पर गैर मुस्लिमों की बात आती है, जैसे मिशन के तैमूर की बात करें, अगर इंडोनेशिया का एक सूबा है वहाँ आबादी की तहरीक चले तीन साल के अंदर अंदर अकवाम मुत्तहिदा ने मुदाखलत कर वहाँ पर ईसाइयों को मुल्क बना दिया जिसका नाम है मशरकी तैमूर। इसी तरह सूडान में हालात खराब हो गए, जनूबी सूडान में जो तेल के कुएँ हैं वो मादनियात के कुएँ हैं वो जनूबी सूडान में हैं और वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो ईसाइयों की। शुमाली सूडान सहरा है वहाँ पर आबादी भी कम है, मुसलमानों की आबादी वहाँ पर ज़्यादा है। उमर अल बशीर सूडान के सदर हैं तो विदिन थ्री टू मंथ दो से तीन साल में उन्होंने स्ट्रगल की और जनूबी सूडान के नाम से ईसाइयों का गलत मुल्क उन्होंने कायम कर दिया। लेकिन मसला फलस्तीन जो मुसलमानों का मसला है वो हल नहीं होता, कश्मीर का मसला मुसलमानों का मसला हल नहीं होता, शाम का मसला लीबिया का मसला फलस्तीन का मसला जितने मसाइल दुनिया में हल करा रहे हैं वो सारे के सारे मुसलमानों के मसाइल हैं और अकवाम मुत्तहिदा कभी भी उनको हल करने पर तैयार नहीं। बात और सबक निकल के बात करने का मकसद ये था, इन जो उस्मानी खानदान मीर खानदान था इन लोगों ने वहाँ पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी कायम की और हैदराबाद दक्कन में आज भी यूनिवर्सिटी काम कर रही है। दारुलतर्जमा एक अलग शोबा था जहाँ पर मुख्तलिफ किताबों के तराजम किए जाते थे, मुख्तलिफ किताबों का तर्जमा वहाँ पे उर्दू अदब में थे दामन का वसी नहीं था, इसलिए मुख्तलिफ किताबों से मुख्तलिफ ज़ुबानों की किताबों से तर्जमा करके तो जो चीज़ें हैं वो उर्दू में कन्वर्ट की जाती थी, उर्दू में उनका तर्जमा किया जाता था। उसके लिए यूनिवर्सिटी के अंदर अलग से शोबा कायम था जिसके साथ जोश मनी का बात एक लंबे अरसे तक वापस रहे 13 साल तक हमारा सर गुजारा। बाद इस्लाम के मानी बाद में मुतादिद अदबी रिसालों के मुदीर मुदीर के मानी एडिटर जोश ने फिल्मों के लिए गीत भी लिखे। 1956 में पाकिस्तान आए और तरक्की उर्दू बोर्ड कराची से मुंसलिक हुए, उर्दू में उर्दू की तरक्की के लिए बोर्ड कायम किया गया कराची में जिसके साथ जोश मनी आबादी साहब मुंसलिक रहे। उम्र का आखिरी इस्लामाबाद में गुजरा, ये बात मुझको बता चुका हूँ आपका जो मिसार है आपकी जो कब्र है वो बच्चे हमारे पाकिस्तान में मौजूद है। जो शमानों में यहाँ पर माहराना दस्तरस रहते थे, दस्तरस के मानी का माहराना फनकाराना फन के हवाले से है और दस्तरस के मानी काबू में रखा उनके काबू था उनका अल्फाज के दर बस्तर के मैंने दरवाज़ा बस्त के मानी खेड़ मानी दर बस से मुराद यहाँ पे सब में है दरवाजे और खिड़की। लेकिन यहाँ पे असल में इससे जो मुराद है वो है जुजियात कह लें इसके तमाम अनासर कह लें यानी मुसलमान मतलब को अच्छे तरीके से जानते थे। रोमानवी शायरी इनके इम्तियाज़ हैं, इनका फ़ख्र है कि उन्होंने रोमानवी शायरी भी की है, उन्हें शायर इंकलाब भी कहा जाता है। उर्दू की मकबूल तरीन सिर्फ सुखन सिर्फ की मानी किस्म सुखन की मैंने बात करना सिर्फ इसका बहुत सी चीज़ें हैं, नावल लिखना कहानी लिखना शायरी करना नज़म गज़ल कसीदा वगैरह लिखना, तो उन्होंने मकबूल तरीन जो गज़ल सिर्फ है उर्दू की वो गज़ल है। उर्दू शुरा आमतौर पर गज़ल में शायरी करना पसंद करते हैं लेकिन इसमें जोश मनी आबादी की दिलचस्पी कतई तौर पर भी नहीं थी, उसको पसंद नहीं करते थे और वो उनका बल्कि शुमार गज़ल के मुखालफी में होता है, जिन लोगों ने गज़ल की मुखालफत की उनमें उनका शुमार होता है और
पसंद की शायरी है। इनकी शायरी एक सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इनकी शायरी में, इनकी नज़रों में हमें मनाज़र कुदरत और मनाज़र फितरत की गहरा मुताले मिलता है। वो बड़े गहरे अंदाज से वो चीज़ें जो हमें आम नज़र आती हैं वो अपने खसूसियत ढूंढ लेते हैं और अपनी शायरी में मनाज़र कुदरत को बड़े खूबसूरत तरीके से बयान करते हैं। उनका पहला मजमूआ कलाम रूह अदब है जो 1935 में शाया हुआ। दीगर मजमुओं में शोला व शबनम है, हर्फ व हिकायत है, सुंदर सरासर है, जज्बात फितरत है, सरोद व खरोश है, शायर की रातें हैं वगैरह, और जोश की खुदनोश जिन्हें की अपनी कहानी, खुदनोश हमारी अपनी कहानी, यादों की बारात उनके मखसूस असलूब नसर का नमूना है। यानी उन्होंने ये जो किताब लिखी है अपने बारे में, उस किताब का नाम है यादों की बारात। तो ये भी उनकी, यानी कि अगर उनकी शायरी की बात करते हैं, हम उनकी नज़म की बात की, बड़ी अच्छी तरह से नज़में लिखी, बड़ी खूबसूरत नज़में लिखी। तो यहाँ आके हमें एहसास होता है कि वो खूबसूरत और अच्छे लहजे के शायर होने के साथ साथ एक बेहतरीन नसर निगार भी थे। अब आ जाते हैं नज़म की तरफ। मेरा माइंड है कि आधी नज़म आज हम पढ़ लें, आधी नज़म हम मशक इंशाल्लाह पढ़ लें, लेक्चर में करेंगे। जो टूटे एक नर्म रो दरिया, नरमी से उतरता हुआ शाम का मंजर, नरमी से उतरता हुआ शाम का मंजर। जो टूटा कहते हैं शाम के वक्त को, शाम के मंजर को, कि आहिस्ता आहिस्ता शाम ढल रही है, शाम हो रही है, शुफक का इज़्तिराब, शुफक कहते हैं सूखी को, जिस वक्त सूरज गुरूब हो रहा होता है तो हमें उफक पे, जहाँ पे ज़मीन और आसमान हमें मिलते हुए नज़र आते हैं, वहाँ पे हमें लगता है, हालांकि ज़मीन और आसमान कहीं मिलते नहीं हैं, हमें महसूस होते हैं कि ज़मीन और आसमान मिल रहे हैं, उस जगह का नाम कहलाती है वो जगह उफक। और जब सूरज गुरूब होने लगता है और हमें उस आसमान पे मगरब की समय लाली नज़र आती है, सूखी नज़र आती है, उसे कहते हैं शुफक। तो शायर कहता है कि शाम का वक्त हो रहा है और ऐसा ऐसा अंधेरा छा रहा है, अंधेरा छाने की वजह से जो सूखी है वो बढ़ रही है, इज़्तिराब के मानी बेचैनी होती है, सूखी शुफक का इज़्तिराब से मराज यहाँ पे है कि सूखी बढ़ रही है। खेतियाँ मैदान खामोशी गुरूब आफ्ताब, गुरूब आफ्ताब के बाद खेतों में खामोशी छा जाती है, मैदानों में खामोशी छा जाती है, मैदानों में खेलने वाले मैदान वीरान हो जाते हैं, अंधेरा छा जाता है, कोई नहीं खेल रहा है। आजकल के दौर की बात नहीं है, आजकल तो शहरों में बहुत सारी सहूलियात हासिल हैं, मौजूद हैं, और लोग रातों को भी खेलते हैं रेड लाइट्स जला कर। गाँव की बात हो रही है, वहाँ कैसी सहूलियात मुयसर नहीं होती, खेतों में कैसी सहूलियात मुयसर नहीं होती, तो वहाँ पर काम करने वाले और खेलने वाले ये शाम होते ही अपना माल सवाल इकट्ठा करके वहाँ से रुसत हो जाते हैं और घर आने की तैयारी करते हैं, तो इसलिए दूर का खामोशी और वीरानी छा जाती है। दूसरा शेर है कि ये समा और एक कवि इंसान, समा के माने मंजर, कवि के माने ताकत, यानी ये समा है, ये मंजर है, ये नज़ारा है जिसके बाद शायर लगी है। तो शायर कहता है और एक ताकतवर इंसान कौन, यानी काश्ता, काश्ता को ताकतवर इसलिए कहा है कि जितनी रंगीनियाँ जितनी खूबसूरतियाँ दुनिया में मौजूद हैं ये किसान की वजह से, ये बात याद रखिए। दुनिया की तमाम तर चीज़ें ज़मीन से निकलती हैं और ज़मीन में ही दोबारा ख़त्म हो जाती हैं, ज़मीन में ही दोबारा दफन हो जाती हैं। कोई भी चीज़ आप ले लें वो सारी की सारी चीज़ें ज़मीन से निकलती हैं, तेल हो, नमक हो, खाने पीने की अशिया हो, सब्ज़ा हो, गंदम हो, चावल हो, आम की फसल हो, लोहा हो, जो चीज़ किस चीज़ पर आप जिक्र कर रहे हैं वो सारी की सारी चीज़ें ज़मीन से निकलती हैं और एक मखसूस वक्त गुजारने के बाद ज़मीन में ही दोबारा से ख़त्म हो जाती हैं। तो यहाँ फसलों की बात हो रही है, हम जो आटा खाते हैं, हम जो चावल खाते हैं, हम जो मैदे के बने हुए बर्गर खाते हैं, अगर आप इन्हीं की बात कर लें तो आपको क्या मालूम कि यहाँ तक पहुँचने में उनको कितना वक्त लगता है, किस तरह एक किसान हल चलाता है। यह सच्चे दिनों की बात हो रही है, जब घर कच्चे होते थे, मन सच्चे होते थे, आजकल के दौर की बात नहीं कर रहे। इस ज़माने में बैलों से हल चलाए जाते थे, ज़मीन में बैलों से हल चलाता किसान, सुबह नाश्ता किए बगैर लस्सी का गिलास पिया और खेतों में हल चलाने निकल गया, हल चलाए, फिर उसमें बीज बोया, फिर पानी लगाया, फिर उसमें से जड़ी बूटियाँ निकाली, फिर उन पौधों की रखवाली की, उसमें पानी लगाया, उसमें उसमें स्प्रे किया, खाद डाली, और उसके बाद बड़ी दिक्कत के बाद और बड़ी मेहनत के बाद फसल पक के तैयार हुई, उसको काटना, बर्दाश्त करना, उसमें से फसल अलग करना, भूसा अलग करना, ये अलग मुश्किल काम था। आपको क्या मालूम वो लोग जो आज
आधी प्लेट में आधी चीज़ें खा लेते हैं, आधी फेंक देते हैं, उन्हें क्या मालूम किस खुराक को करने में कितनी देर लगी थी। इसकी जिम्मेदारी मिसाले के सारे किसपे है, किसान पे। फिर कहा जी के इर्तिका का पेशवा, इर्तिका कहते हैं तब्दीली, पेशवा के माने रहनुमा, आगे चलने वाला, रहनुमाई करने वाला। कैसे इर्तिका के माने तब्दीली, आज से 100 साल पहले या 200 साल पहले या 50 साल पहले ये दुनिया इस तरह की नहीं थी, ये दुनिया से बहुत मुख्तलिफ थी, इसकी शक्ल सूरत मुख्तलिफ थी, इसके हालात मुख्तलिफ थे, और ये तब्दीलियाँ भी सारे के सारे किसकी वजह से हैं, कपड़े हमारे अच्छे हैं, बारी खुराकें अच्छी हैं, तो किसान की वजह से। फिर तहजीब का परवरदिगार, तहजीब महसिब होना से मुराद है, और इससे मुराद है माशरा, माशरा कैसे तरक्की याफ्ता हुआ, किसान की वजह से। मैंने पहले कहा है हमारे कपड़े अगर अच्छे हैं, हमारे लिबास अच्छा है, रहन सहन अच्छा है, ये सारी की सारी चीज़ें किसान के मन में मेहनत है, इसलिए किसान को ये अलकाब दिए हैं दुश्मनी का बात। फिर कहा जलवा कुदरत का शाहिद, क्योंकि सबसे पहले सुबह उठता है, सबसे खूबसूरत सुबह किसान देखता है, जलवा कुदरत अल्लाह ताला का नज़ारा, सूर्य का सुबह तुलू होना और दूर का खामोशी, ठंडक, ठंडी हवाएं, दूर तक लहराते हुए खेत, खामोशी के मनाजिर, ये सारे के सारे इनकी गवाही है, वो देने वाला कौन है, वो है किसान। वो किसान सबसे पहले होता है खेतों में हल चलाता हुआ, बैलों के जरिए किसान हल चलाता हुआ, तस्वीरों में मिलता है, अब तो ट्रैक्टर करवाते हुए निकलते हैं, अब वो दौर नहीं रहा, वक्त नहीं रहा, लेकिन इसके बावजूद आज भी किसान को बड़ी अहमियत हासिल है। उसने कुदरत का गवाह, खूबसूरती अल्लाह ताला की बनाई हुई, कुदरत की बनाई हुई खूबसूरती को हुस्न को वही सबसे पहले देखता है, उसकी गवाही देता है। आप सुबह की सैर करें, आपको जो मनाजिर आँखों को तलावत बख्शते हैं, आँखों को ठंडक बख्शते हैं, वो 10 बजे 12 बजे सुबह उठने वाले इंसान उनके बारे में सोच भी नहीं सकते। माह का दिन, माह के दिन होता है चाँद, और महर आलम ताब का नूर निगाह, यानी सूरज महर आलम ताब दुनिया को रोशनी देने वाला, यानी सूरज लिखती है यहाँ दुनिया को सूर्य देने वाला, रोशनी देने वाला सूरज, ये भी सबसे पहले इस पर नज़र किसकी पड़ती है, किसान की पड़ती है। फिर कहा लहर करता है रगे खाशात में जिसका लहू, रगे खाशात कहते हैं सबसे, और रगे यानी उसके अंदर जो सबसे उठा हुआ में नज़र आता है, खूबसूरत लगता है, ये खूबसूरती भी किसकी बड़ों में मिन्नत है, किसान की, जो उसको पानी देता है, फसल शुरू में सरसब्ज होती है, सब्जे की बात करें वो सरसब्ज होता है, उसका लहू शामिल है, यानी मेहनत करता है, उसका खून पसीना उसमें शामिल होता है, और जिसके दिल की आँच बन जाती है, सैल रंगबूब सैल कहते हैं, सैलाब रंगबूब में खूबसूरतियाँ दुनिया भर में फैली हुई खूबसूरतियाँ भी किसान की मेहनत की बदौलत है, किसान की मेहनत की वजह से। और आँच कहते हैं शमा जलाते हैं उसके ऊपर, जो रोशनियाँ नजर आती है, रोशनी निकलती है दिए के ऊपर, उसको कहते हैं आँच। चूल्हा जलाती हैं माँ, जो कहते हैं आँच छोटी कर दो या आँच ज़्यादा कर दो, यदि लो छोटी बड़ी करते हैं उसको कहते हैं आँच। ये था आपका आज तक का आपका सबक, इंशाल्लाह कल अगले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि ये नज़म मुकम्मल हो जाए और आपकी हो जाए मशक भी मुकम्मल। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक